हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्यांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइजर तैयारी का हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका हम नवा प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। ये तो MCQ वाली प्रैक्टिस सेट है। एक हमारी सी सीरीज़ चल रही है जो कि थ्योरी क्लासेस रहती है। सुपरवाइज़र को टॉपिक वाइज में तैयार करवाती हूँ, तो वो सी सीरीज़ रहती है। और साथ में ये प्रैक्टिस सेट, दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टोटल 11,000 MCQ की सीरीज़ है। अगर ये पूरे 11,000 MCQ आपने लगा ली, तो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आपसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसकी PDF हमारे जो पेड ग्रुप है, जो कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ मिलता है, उसमें मैं डालती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है गिल्टी, न्यूमोनिक्स, सेप्टिसेमिक, ये किस रोग के प्रकार हैं? प्लेग के, मलेरिया के, पीलिया के या क्षय रोग के? क्षय रोग, जिसको हम TB भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम जो मच्छर है उसके कारण हो जाता है। पीलिया जो है यकृत में बीमारी, जो दूषित खान पान से पीलिया रोग हो जाता है। उसके प्लेग जो रोग है वो चूहे, पिस्सू, इनके काटने से होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गिल्टी, न्यूमैनिक, सेप्टिसिमिक किस रोग के प्रकार हैं? तो ये प्रकार है प्लेग। किसका प्रकार है? प्लेग एक बीमारी है जो एक जीवाणु होता है, एर्सिनिया पेस्टिस। ये नाम भी याद रखना, क्या जीवाणु होता है, इसका नाम होता है एर्सिनिया पेस्टिस। ये एर्सिनिया पेस्टिस के कारण ही प्लेग रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, एर्सिनिया पेस्टिक नामक जीवाणु द्वारा प्लेग रोग हो जाता है, और इसी के ही ये प्रकार है गिल्टी, न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक। आमतौर पर जो पिस्सू होते हैं, चूहे के बच्चे होते हैं, उनके जब वो लोग काट लेते हैं तो प्लेग हो जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा संक्रमित व्यक्ति हो उससे भी, और आप उसके टच में रहे हो, तो उसके द्वारा भी ये प्लेग फैल जाता है। मतलब ये एक महामारी है, एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं और 2 से 8 दिनों के भीतर ये फैल जाता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? गिल्टी, न्यूमोनिक्स और सेप्टिसेमिक, ये इसके प्रभाव, इसके प्रकार होते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये जो प्लेग होता है ये शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो जो प्लेग होता है वो शरीर के फेफड़ों पर प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? फेफड़ों पर। याद रखिएगा, प्लेग ये प्लेग है वो किस पर प्रभाव डालता है? प्लेग फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, याद रखिएगा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसका कारक क्या है? यर्सिनिया पेस्टिस इसका एक प्रमुख कारक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के 4 प्रकार होते हैं। कैंसर, जिसको हम कर्क रोग भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, जो कैंसर होता है उसको हम कर्क रोग भी बोलते हैं। और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो, कैंसर के जो प्रकार होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कैंसर भी 4 प्रकार के होते हैं। उसका नाम क्या है? कार्सिनोमास होता है पहला, दूसरा है लिम्फोमास, तीसरा है सार्कोमास या ल्यूकेमियास, उपरोक्त सभी, ये सभी इसके प्रकार होते हैं, ये याद रखिएगा। कैंसर रोग में क्या होता है? शरीर का कोई हिस्सा हो जाता है, उसमें गांठ जो बन जाती है, ये शरीर की कोशिकाओं में, कोशिया, अलग अलग प्रकार के कैंसर अलग अलग तरीके के होते हैं। और भारत में लगभग 16 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कैंसर से प्रभावित हैं, जो कि अभी हाल ही में सर्वे में आया है। और फेफड़ों का कैंसर, मुँह का कैंसर, पेट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये सभी कैंसर में कैंसर के प्रकारों में आते हैं। एक प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, जो पुरुषों में सबसे ज़्यादा खतरा इसी का होता है। और फेफड़ों में, और जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मौतें हो जाती हैं वो फेफड़े के कैंसर से हो जाती है। तो ये सभी याद रखिएगा, कैंसर कौन कौन से होते हैं, क्या कार्सिनोमास, लिम्फोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर हो जाता है, तो इस प्रकार से ये कैंसर के प्रकार होते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सके कि कैंसर की जो स्टेज होती हैं, कैंसर कितनी स्टेज का होता है? तो कैंसर 4 स्टेज मेनली होती हैं। कैंसर की कितनी स्टेज होती हैं? कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। और इसको कोबाल्ट, आप लोग ये भी पूछ सकते हैं किस कौन सा ऐसा तत्व है जो कैंसर रोग के निदान में उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का उपयोग कैंसर रोग के निदान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोप्सी किस रोग में की जाती है? बायोप्सी जो होती है वो किस रोग में की जाती है? मलेरिया, सोचिए आप, मलेरिया, कैंसर, एड्स या कोरोना। तो बायोप्सी किस रोग में की जाती है? मलेरिया, कैंसर, एड्स या
कोरोना तो बायोप्सी जो की जाती है वो कैंसर रोग के उपचार में की जाती है। बायोप्सी किस रोग में की जाती है? कैंसर रोग के उपचार में की जाती है। आपसे पूछेंगे क्या होता है, तो क्या आपके शरीर से ऊतक का एक टुकड़ा निकाला जाता है या कोशिकाओं का एक नमूना निकाला जाता है और प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया जाता है। ये बायोप्सी जाँच हो जाती है और फिर जहाँ जो शरीर का अंग आपका काटा जाता है वहाँ पर आपके ही शरीर का एक हिस्सा जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसको हम बायोप्सी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं टुकड़ा निकालना। कैंसर के इलाज में जब सबसे पहले कैंसर व्यक्ति की पहचान की जाती है तो इसी बायोप्सी टेस्ट से ही की जाती है। बायोप्सी टेस्ट ही किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति के अगर गर्दन में गठान है गर्दन में, तो गर्दन के उस हिस्से की कोशिकाएं निकाल ली जाएगी या उसका एक नमूना निकाल लिया जाएगा और उसी से फिर ये चेक की जाएगी। तो याद रखिएगा, बायोप्सी किस रोग के उपचार में की जाती है? कैंसर के उपचार में की जाती है। इसमें शरीर से ऊतक या कोशिकाओं को निकाल लिया जाता है और फिर उस नमूने की चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा सुपरवाइज़र का पैकेज ले सकते हैं। टोटल हमारा जो सुपरवाइज़र का पैकेज है उसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक बुकलेट आपको 3000 प्लस MCQ की मिलती है, एक बुकलेट आपको 1000 प्लस वन लाइनर की मिलती है और 5 जो बुकलेट होती है, 5 बुकलेट में आपको थ्योरी मिलती है अलग अलग सब्जेक्ट की जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ में एक आपको ऑनलाइन का ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, रोज़ वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं, आपको कुछ टॉपिक क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक दिन पहले, और फिर अगले दिन आपको उन क्वेश्चन से संबंधित टेस्ट दिया जाता है जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाती है, आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। तो आप ये इसको तैयार कर सकते हैं और इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हज़ारों हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम तक मैं करा दूंगी। नोट्स की मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के महिला पर्यवेक्षक के आपको नोट्स मिलेंगे। इसमें टोटल ये 7 बुकलेट दी जा रही हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैं आपको बताई थी, ये 3000 वस्तुनिष्ठ प्लस का पैकेज है और 3000 प्लस इसमें MCQ है और ये 1000 वन लाइनर की है। साथ में आपको ये पूरी थ्योरी बुकलेट मिलती है जिसमें पोषण स्वास्थ्य, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको जो ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं उसमें करंट जो डाटा रहता है, करंट में कोई योजना आती है, करंट में कोई महिला बाल विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सब हम ग्रुप में कराते हैं। साथ में नोट्स में भी हमने हर फैक्ट कवर किए हैं, करंट अफेयर से लेकर करंट योजनाओं से लेकर ICMR जो रिपोर्ट आई है 2020 की जो कि अभी करंट की है, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में कवर की है। साथ में इसके जो हम ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप में भी हम ये रिपोर्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आपको दोनों ये 1399 प्लस 100 कुरियर में आपको एक हार्ड कॉपी मिल रही है 7 बुकलेट की, इसमें 7 बुकलेट आपके घर जाएंगी और एक आपको ऑनलाइन ग्रुप मिल रहा है जहां ऑनलाइन हम आपकी तैयारी कराएंगे। तो केवल 1399 प्लस 100 कुरियर में आपको हार्ड और सॉफ्ट दोनों का ही पैकेज दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये पैकेज है, इस प्रकार के ये हैंड रिटन नोट्स को कवर किया गया है, ये टेबल बनाई गई, इस प्रकार के जगह जगह पर टेबल का यूज़ किया है। ये फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट है 3000 प्लस MCQ का, इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट बाइंडिंग सहित आपको ये दिया जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे नोट्स, हमारा ऑनलाइन ग्रुप, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 6260190944। साथ में आप इस नंबर पर अपना नंबर भी सेव करवा सकते हैं और एक आपको पब्लिक ग्रुप भी मिलता है, निःशुल्क ग्रुप, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डेली क्विज लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? निद्रा रोग। हाँ बिल्कुल, निद्रा रोग हो जाता है तो ये भी प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है। पायरिया जो रोग है वो भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। मलेरिया, दमा, खाज, पैचेस, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। काला जार, डायरिया, फाइलेरिया, ये भी प्रोटोजोआ के, मतलब कृमि हुए, प्रोटोजोआ हुए, इन्हीं के कारण होते हैं। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये एक कोशिक जंतु होते हैं, इससे जो प्राणी की कोशिका प्रक्रिया है जो इसके द्वारा पूर्ण होती है, ये एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन आदि सभी काम करता है ये प्रोटोजोआ जो होता है। प्रोटोजोआ रोग का कारण मलेरिया, सबसे मेन प्रोटोजोआ रोगों में जाना जाता है। मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रोटोजोआ संक्रमण है, मतलब ये प्रोटोजोआ होते हैं वो जो RBC पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रभाव डालता है।
प्रोटोजोआ छोटे और एक कोशिकीय वाले जानवर होते हैं और जो नम वातावरण में रहते हैं, और अगर जैसे कि नम क्षेत्र हो जाता है या कभी बारिश के बाद जो मौसम होता है आर्द्र, तो ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, याद रखिएगा। तो प्रोक्स सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, बायवैक्स और फैल्सीफेरम किसकी प्रजातियां हैं? बायवैक्स आपने ये दोनों ही नाम सुने होंगे, क्योंकि जनरली ये नॉर्मल हमारे आसपास या हमारे घरों में ये वाली बीमारियां होती ही रहती है। बायवैक्स और फैल्सीफेरम मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की, मच्छर की या कृमि की। तो जो बायवैक्स और फैल्सीफेरम है ये प्लाज्मोडियम की प्रजाति है, और ये प्लाज्मोडियम मच्छर द्वारा मलेरिया होता है। मलेरिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो अलग अलग जो मच्छरों की जातियाँ हैं या प्लाज्मोडियम की प्रजातियाँ हैं उसकी बोलते हैं। बायवैक्स मलेरिया हुआ है या फैल्सीफेरम मलेरिया हुआ है, तो ये मलेरिया के जो जिनसे होता है प्लाज्मोडियम मक्खी के काटने से, तो उसी का ही ये प्रकार है बायवैक्स और फैल्सीफेरम। तो याद रखिएगा, बायवैक्स और फैल्सीफेरम किसकी प्रजातियां हैं? तो बायवैक्स और फैल्सीफेरम जो है वो प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं या प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं। फ्रेंड्स, जीके विद आकांक्षा नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली क्वेश्चन करा रही हूँ, ये जीके विद आकांक्षा नाम से ही आप डालेंगे तो आ जाएगा। मलेरिया बुखार की पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको करना है तो सबसे पहले इसमें बुखार ठंड लग के आता है, इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और लूज़ मोशन हो जाते हैं, पेट दर्द होता है, श्वसन मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, भ्रम होता है। तो ये सभी स्थिति मलेरिया के रोगों में की जाती है, मतलब मलेरिया के जब लक्षण दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मलेरिया के सबसे मेन इसका लक्षण होता है कि ठंड और कपकपी लगकर एकदम बुखार आता है, सिर दर्द होता है, तो ये मलेरिया के लक्षण है। अगला है, ब्रैकबोन फीवर किसको कहा जाता है? ब्रैकबोन फीवर किसको कहा जाता है? मलेरिया, सोचिए आपकी कौन सा ऐसा फीवर है जो कि जिसमें आपके जो हड्डियाँ ऐसी लगती है टूट गई हो, एकदम हड्डियाँ दर्द होती हैं, तो वो कौन सा लक्षण है या आपको कौन सा बीमारी है? मलेरिया है, प्लेग है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। भी हाल ही में कुछ 10-12 साल पहले ही ये बीमारियाँ नई नई सामने आई हैं, एक डेंगू हुआ और एक चिकनगुनिया हुआ। मलेरिया और प्लेग तो लगभग 17वीं 18वीं सदी से फैल रही है, अंग्रेजों के समय भी प्लेग फैला था महामारी, लेकिन ये जो डेंगू है वो चिकनगुनिया है, एक नई बुखारी है। डेंगू को ही हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं या ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, याद रखिएगा। किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं? तो डेंगू को बोलते हैं, और ये एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। और ये भी पूछ सकते हैं ये किस मच्छर के कारण होता है डेंगू? तो डेंगू होता है एडीज मच्छर के कारण। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि डेंगू जो होता है वो किस मच्छर के कारण होता है? तो डेंगू जो होता है एडीज मच्छर के कारण होता है। एडीज मच्छर जब होता है तो जब ये वो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये वाला जो डेंगू रोग होता है हो जाता है। तो याद रखिएगा, किस मच्छर के कारण ये ब्रैकबोन फीवर होता है? एडीज के कारण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियाँ टूट जाती हैं और बुखार आता है तेज से। इसमें बोलेंगे डेंगू का बुखार कितने दिनों तक रहता है? लगभग 4 से 7 दिनों में मिनिमम रहता है ये, कई केसों में ये 14 दिनों तक भी देखा गया। इसमें तेज से बुखार आता है और ऐसा लगता है कि हड्डियाँ जो है वो टूट रही हैं, हड्डियाँ जो है वो दर्द होती हैं। ये भी पूछते हैं कि जो डेंगू है वो किसके कारण फैलता है? तो ये ज़रूर याद रखिएगा, डेंगू जो फैलता है वो एडीज मच्छरों के कारण फैलता है। अगला होता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग किसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया रोग? तो देखो, दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। ये जब हाइपर क्या होता है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाइपो क्या होता है? हाइपो होता है जब हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है? इसको अल्प शर्करा अरक्तता बोल सकते हैं, मतलब शक्कर की कमी होना। हाइपो में शक्कर की कमी हो जाती है, ग्लूकोज का स्तर एक मानक सीमा से कम हो जाता है, उसको हम हाइपो बोलते हैं, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और जब हाइपर हो जाता है, हाइपर में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये याद रखिएगा, ये यदि शरीर
में इंसुलिन की खुराक बहुत ज़्यादा अधिक है तो रक्त शर्करा का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब इंसुलिन की कमी से शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इंसुलिन की अधिकता से शर्करा का स्तर कम हो जाता है, ये अपोजिट है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। जिनको शुगर की शिकायतें हाई, जिनका शुगर है उनको इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उनका शरीर जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जब भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके शरीर में जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, इंसुलिन की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, तो उनको ज़्यादा शुगर वाला जो खाद्य पदार्थ है वो खाने की सलाह दी जाती है। अगला है BMD परीक्षण किस रोग में किया जाता है, टाइफाइड में, आर्थराइटिस में, मलेरिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में। देखो, जो BMD रहता है वो हड्डियों का परीक्षण रहता है, और ये किस रोग में किया जाता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग में किया जाता है, याद रखिएगा। BMD का क्यों किया जाता है, टेस्ट किस रोग में किया जाता है, ये आपकी हड्डी का घनत्व नापते हैं, है ना, तो हड्डी का घनत्व नापते हैं, तो इसलिए ये उपचार किया जाता है। और हड्डियों जब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जो मेनली विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसको तो BMD का परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। किस में किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग में BMD का परीक्षण किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी इसको बोला जाता है, बी से हो जाएगा बोन, एम से हो जाएगा मिनरल और डेंसिटी। मिनरल मतलब आपकी जो हड्डी है उसमें पता लगाया जाता है कि हड्डी में जो खनिज है उसकी मात्रा कितनी है, ये पता आपका उसमें लगाया जाता है। अगला है, मेरुदंड किस रोग से प्रभावित होता है, मेनिनजाइटिस से, आर्थराइटिस से, ऑस्टियोपोरोसिस से, या स्पॉन्डिलाइटिस से। मेरुदंड जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, आप खुद सोचिए इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कि जो मेरुदंड होता है सिर का हिस्सा वो किससे प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्डिलाइटिस। इसको कशेरुका संधि शोध भी बोलते हैं, कशेरुका संधि मतलब आपकी इसमें क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है या जो कशेरुका होती है, कशेरुकाएँ होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। क्या तो मेरुदंड किससे प्रभावित होता है, स्पॉन्डिलाइटिस से हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, और रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें क्या होता है, उस रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है रीढ़ की हड्डी में। इसका कारण क्या है, इसे लगातार अगर रीढ़ की हड्डी पर घिसाव हो रहा हो तो स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें गर्दन की कोशिकाओं और जो ग्रीवा रीढ़ की हड्डी है उनके जोड़ों के बीच जो होता है जो गैप आ जाता है। तो याद रखिएगा, ये मेरुदंड, ये स्पॉन्डिलाइटिस किससे संबंधित बीमारी, ये भी याद रखिएगा, अगर अंग पूछ लिया तो गर्दन से संबंधित बीमारी है। अगला है, BMD का पूरा नाम अभी हमने पढ़ा था कि जो डेंसिटी नापी जाती है, बोन मैरो डेंसिटी, तो इसको हम बोन मैरो डेंसिटी या बोन मिनरल डेंसिटी भी बोलते हैं। ये तो बोन मैरो डेंसिटी बोल दो या क्या बोलेंगे, बोन मिनरल डेंसिटी, ये भी इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कृमि के कारण, ये कभी बहुत ही सरल आंसर क्वेश्चन है ये, इसका जवाब होगा कृमि। किसके कारण हो जाता है फाइलेरिया, फाइलेरिया कृमि के कारण हो जाता है, याद रखिएगा। फाइलेरिया जो बीमारी, इसके लिए बहुत सारे हमारी भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन के बहुत सारे सरकार द्वारा प्रयास भी चल रहे हैं। हमारी जो वॉल्यूम 2 है उसमें इस फाइलेरिया से संबंधित बहुत सारी योजनाएं कवर की गई हैं, जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। फाइलेरिया जो संक्रमण है कृमि के द्वारा होता है, जब फ्यूलेक्स एवं मैंसोनाइडिस टाइप के प्रजाति के जो मच्छर होते हैं वो खा लेते हैं, तो उससे फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया में जो पैर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। धागे के समान एक फाइलोरी नामक जीवाणु आते हैं जिसके कारण कृमि आते हैं, सॉरी, जिसके कारण फाइलेरिया हो जाता है। अगला है, विल्सन रोग क्यों हो जाता है, या विल्सन रोग क्या होता है, जिंक की कमी से हो जाता है, जिंक की अधिकता से हो जाता है, तांबे की अधिकता से हो जाता है, या तांबे की कमी से हो जाता है। विल्सन रोग किसके कारण हो जाता है, जिंक की कमी से, जिंक की अधिकता से, तांबे की अत्यधिक वृद्धि से, या तांबे की कमी से। तो जो जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा तांबे की मात्रा बढ़ जाती है, विशेषकर यकृत में, मस्तिष्क में, आँखों में, याद रखिएगा कहाँ पर, मस्तिष्क में,
इसके बाद आंखों में अगर तांबे की मात्रा बढ़ जाती है, यकृत में तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, तो विकृत विल्सन रोग हो जाता है। ये अगर इसका निदान होना है तो 5 से 35 वर्ष की उम्र रहेगी उस उम्र में इसका निदान हो सकता है। तो याद रखिएगा विल्सन रोग क्यों हो जाता है, तांबे की अधिकता से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार मैंने रोगों से संबंधित क्वेश्चन आपको कराए थे। अगला पार्ट भी हमारा इसी से संबंधित रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।